नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूँ शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक्वामी खबरें। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE की 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम्स 4 मई से 10 जून के बीच होंगे। 15 जुलाई तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके पहले 1 मार्च से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शुरू होंगे। मरकजी वज़ीर तालीम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशांक ने शाम 6 बजे तुलबा से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना वबा में आप लोगों ने जैसे खुद को तैयार किया है वो काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि CBSE बोर्ड के चेयरमैन लगातार एग्जाम्स के सिस्टम पर नज़र रखे हुए हैं। पूरा सिस्टम आपके साथ जुड़ा है। बैरून मुल्कों में जो CBSE स्कूल चल रहे हैं उन्हें भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। निशंक ने बताया कि 25 से 26 मुल्कों में चल रहे CBSE स्कूलों के लिए भी इंतज़ाम किए जा रहे हैं। निशंक ने कहा कि हमने अपने बच्चों का साल खराब होने नहीं दिया। सलामती और एहतियात के साथ हमने इम्तहान कराए हैं और साल खराब होने से बचाया है। तुलबा ने भी जिस हिम्मत से काम किया ये एक मिसाल है। हमारे मुल्क में 33 करोड़ तुलबा हैं, ये अमरीका की कुल आबादी से भी ज़्यादा है। राजस्थान में अलवर के शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पर जुमेरात दोपहर ट्रैक्टरों पर सवार कुछ किसान पुलिस के बैरिकेड तोड़कर हरियाणा में घुस गए। हरियाणा पुलिस जब तक किसानों को रोक पाती तब तक 10 से 15 ट्रैक्टर बॉर्डर से आगे निकल गए। इसके बाद पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस छोड़ी। इसमें कई किसान जख्मी हो गए। इस वाक़े के बाद किसान कायदी ने अपने साथियों को खामोश कराया। उन्होंने कहा कि किसान पुरमन अंदाज में ही तहरीक को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इधर हरियाणा सरहद में घुसे 10 से 15 ट्रैक्टर ड्राइवर्स को हरियाणा पुलिस ने बावल में रोक लिया। कुछ किसानों को हिरासत में भी लिया गया। शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पर 12 दिसंबर से किसान एहतजाज कर रहे हैं। हाईवे पर 2 किलोमीटर तक किसान तंबू लगाकर पड़ाव डाले हुए हैं। किसान दिल्ली कूच करना चाहते हैं लेकिन हरियाणा पुलिस उन्हें आगे नहीं देने जाने दे रही है। यहाँ राजस्थान और हरियाणा के अलावा गुजरात और महाराष्ट्र के भी काफ़ी किसान पहुँच गए हैं। लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। यहाँ पर शाहजहांपुर बॉर्डर पे ट्रैक्टरों ने एक साइड का बैरिकेड तोड़ दिया है और यहाँ पे टीयर गैस जो है उसको चलाने की तैयारियां कर रही है हरियाणा पुलिस। ये देखिए ट्रैक्टर जो है बैरिकेड को तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। एक टीयर गैस शेल फायर किया गया है अभी यहाँ से। ये देखिए दूसरा टीयर गैस शेल फायर किया गया है, सेकेंड टीयर गैस शेल।
लगातार टीयर गैस जो फायर की जा रही है यहाँ से, ये देखिए तीसरा टीयर गैस सेल फायर किया गया है, तीसरा टीयर गैस सेल। और जो ट्रैक्टर्स हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं बैरिकेड को तोड़ते हुए, बैरिकेड को तोड़ते हुए ट्रैक्टर्स आगे बढ़ रहे हैं और पुलिस जो है टीयर गैस सेल फायर कर रही है। और ये ट्रैक्टर्स यहाँ पे आगे बढ़ चुके हैं बॉर्डर को तोड़ते हुए, एक तरफ से लगातार मंच से जो है ये अपील की जा रही थी कि इसको शांतिपूर्वक रखना है, बैरिकेड नहीं तोड़ना है, लेकिन कुछ युवाओं ने यहाँ पे जो है बैरिकेड तोड़ दिया है। और बैरिकेड तोड़ के जैसे कि आप देख रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और लगातार टीयर गैस भी यहाँ पे चलाई जा रही है। केरला असेंबली से जुमेरात के रोज इत्तेफाक़ी राय से मरकज के तीन ज़रई क़वानीन को मंसूख करने का मुतालबा करते हुए एक क़रारदाद मंजूर की गई। इन क़वानीन के खिलाफ दिल्ली में किसान गुज़िश्ता एक महीने से ज़ायद से एहतजाज कर रहे हैं और कई हुकूमत और किसान तंजीमों के दरमियान सात दौर की बातचीत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है। केरला असेंबली से मंजूर की जाने वाली क़रारदाद में इन तीनों क़वानीन को किसान मुखालिफ और सरमायादारों के हक़ में करार दिया गया। क़रारदाद को पेश करते हुए वज़ीर आला पिनाराई विजयन ने इल्ज़ाम लगाया कि ज़रई क़वानीन सरमायादारों की मदद के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन तीन मुतनाज़िया क़वानीन को पार्लियामेंट की मुस्तकिल कमेटी को भेजे बगैर मंजूर किया गया। अगर किसानों का एहतजाज जारी रहता है तो एक रियासत के तौर पर केरला बुरी तरह मुतासिर होगी। क़रारदाद को तकरीबन दो घंटे बहस के बाद सूती वोटों से मंजूरी फराहम की गई। कोविड-19 की तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होते हुए तलब किए गए केरला असम्बली के खसूसी इजलास के दौरान इस क़रारदाद को मंजूरी दी गई। असेंबली का यह इजलास मुजाहरा कर रहे किसानों के तहत यकजहती का इजहार करने के लिए तलब किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी के वाहिद रुकन असेंबली राजगोपाल ने अपनी मरकजी क्यादत के मौकफ़ के बरखिलाफ क़रारदाद की मुखालिफत नहीं की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजगोपाल ने कुछ नुकात पर एतराज़ ज़रूर जाहिर किया लेकिन उन्होंने क़रारदाद की हिमायत की। केरला बीजेपी की क्यादत ने राजगोपाल की तरफ से ज़रई क़वानीन के खिलाफ मंजूर की गई क़रारदाद को हिमायत देने पर हैरानी का इजहार किया। अगरचे के पार्टी का कहना है कि इस मामले में राजगोपाल से बातचीत की जाएगी, ताहम ज़राए का कहना है कि बीजेपी रुकन असेंबली के इस कदम ने पार्टी को हैरान कर दिया है। ഈ ചില കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. അതിനുശേഷം മറ്റ് ഉള്ള നിലയ്ക്ക് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള എല്ലാം കൂടി സമഗ്രമായിട്ടുള്ള റെസൊല്യൂഷനും ഞാൻ പിന്തുടരും. കാരണം ഒരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സമീപനത്തിന് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ ബി ജെ പി കാരനായിട്ടാണ് ഞാൻ എതിർക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പോസിഷൻ പ്രമേയം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കേന്ദ്രം പാസാക്കിയ മൂന്ന് നിയമങ്ങളും പിൻവലിക്കണം എന്നുള്ളതല്ല, അതിനോടാണ് യോജിക്കുന്നത്. തീർത്തു कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार किसानों के मफादात की बातें करके महज दिखावा करती है लेकिन हकीकत में वो सरमायादारों की खैरख्वाह है और इसी वजह से उसने सनअतकारों का खरबों रुपए का कर्ज माफ किया। राहुल गांधी ने कहा कि 23 अरब 76 करोड़ रुपए का कर्ज इस साल मोदी हुकूमत ने कुछ सनअतकारों का माफ किया। इस रकम से कोविड के मुश्किल वक्त में 11 करोड़ कुंभों को 20-20 हज़ार रुपये दिए जा सकते थे। मोदी जी की तरक्की की हकीकत। मोदी सरकार को सनअतकारों के लिए काम करने वाली मिशनरी करार देते हुए राहुल गांधी इस पर मुसलसिल हमला करते हुए कहते हैं कि इसे आम लोगों और किसानों से ज़्यादा अपने चंद सरमायादार दोस्तों की फिक्र होती है और उनके हक में बार बार फैसले लिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी तब्दीली मजहब मुखालिफ कानून 2020 के तहत सूबे भर में एक महीने के दौरान अब तक 54 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट में सरकारी ज़राए के हवाले से कहा गया कि कानून नाफिज होने के बाद से अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस ने 16 मामलों में FIR दर्ज की है, 86 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और उनमें से 54 अफराद को गिरफ्तार किया गया जबकि 31 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाना अभी बाकी है। मुसलमानों के खिलाफ लव जिहाद के नाम पर फैलाई गई मुनाफिरत और उसकी बुनियाद पर यूपी हुकूमत की तरफ से की जाने वाली कानून साजी पर माहिरीन ने जो खदशा जाहिर किए थे वो अब सच साबित हो रहे हैं।
सुनके उत्तर प्रदेश में जिन 54 अफराद को पुलिस ने जबरी तब्दीली मजहब कानून के तहत गिरफ्तार किया है वो सभी मुसलमान हैं, जबकि हिंदू लड़के की तरफ से मुस्लिम लड़की से शादी किए जाने के कई मामलों में पुलिस जोड़े को तहफ्फुज फराहम कर रही है। नए कानून के तहत सबसे ज्यादा ईटा में 26 अफराद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, उनमें से 14 के खिलाफ एक ही मामले में एफआईआर दर्ज की गई। एक सीनियर पुलिस अफसर ने कहा कि लड़कियों के अहले खाना की शिकायत पर ज्यादातर एफआईआर दर्ज की गई हैं। अफसर ने कहा कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर पुलिस को जबरी तब्दीली मजहब के खिलाफ कार्रवाई के वाज़े अहकाम जारी किए गए थे। कई मामलों में लोग नए कानून से लाइल थे और पुलिस की तरफ से बैन मजाहिब शादी के ख्वाहान लड़की और लड़के के वालदैन को समझा दिया गया। गुज़िश्ता एक महीने के दौरान बिजनौर और शाहजहांपुर में दो दो और फिरोजाबाद, ईटा, बरेली, मुरादाबाद, कन्नौज, हरदोई, सीतापुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, आजमगढ़, मऊ और गौतम बुद्ध नगर में एक एक एफआईआर दर्ज की गई है। एटा जिले में एक मकामी ताजिर ने मोहम्मद जावेद के खिलाफ अगवा और गैर कानूनी तौर पर हिंदू लड़की को मुबैना तौर पर मुसलमान बनाने के खिलाफ जलसिर पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने जावेद के कुंबे के 14 अफराद को गिरफ्तार किया, जबकि कलीदी मुलजिम समेत 12 दीगर मुलजिमीन ताहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। साल 2021 की शुरुआत से पहले अदलिया में बड़े बदलाव किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने 4 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस समेत 14 जजों का ट्रांसफर किया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक होंगे, अब तक वो ओडिशा हाई कोर्ट में तैनात थे। उनकी जगह पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर मुरलीधर को चीफ जस्टिस बनाया गया है। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे रविंद्र सिंह चौहान को उत्तराखंड हाईकोर्ट की जिम्मेदारी दी गई है। तेलंगाना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस दिल्ली हाईकोर्ट की जज हिमा कोहली को बनाया गया। आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस जितेंद्र कुमार को सिक्किम और सिक्किम के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी को आंध्र प्रदेश का चीफ जस्टिस बनाया गया है। मद्रास हाईकोर्ट की जिम्मेदारी कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव बैनर्जी को दी गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की जिम्मेदारी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज मित्तल को दी गई है। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8,32,00,000 से ज्यादा हो गया। 5,90,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 18,15,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। यह आंकड़े worldometers.info वेबसाइट के मुताबिक हैं। वहीं अमेरिका के वायरल डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फॉसी ने कहा कि अगर मुल्क में वैक्सीनेशन सही तरीके से हुआ तो अगले साल के आखिर में हालात पहले की तरह यानी नॉर्मल हो सकते हैं। उधर बेल्जियम ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए 2 दिन का क्वारंटाइन जरूरी कर दिया है। आज साल का आखिरी दिन है। 2020 को इस उम्मीद के साथ अलविदा कहना है कि जल्द ही हमें सदी की सबसे बड़ी वबा से भी निजात मिलेगी। आंकड़े भी इस उम्मीद को बढ़ा रहे हैं। सबसे अहम है एक्टिव केसेस यानी जिन मरीजों का इलाज चल रहा है, इनमें 27 नवंबर से लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हिंदुस्तान में इन 34 दिनों में 1,98,000 एक्टिव केसेस कम हुए हैं। ये 2,55,000 ही रह गए हैं, यानी हर दिन औसतन 5,825 केसेस कम हुए हैं। 17 सितंबर को ये 10,17,000 के पार थे। मुल्क में बीते 24 घंटों में 21,944 केसेस आए और 26,406 मरीज ठीक हो गए। 299 मुतासरीन की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 4,776 की कमी आई। अब तक जुमला 1,02,00,000 केसेस आ चुके हैं। इनमें से 98,59,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। 1,48,000 लोग इस वबा से जान गंवा चुके हैं। इसी बीच मरकजी हुकूमत ने बताया कि मुल्क में कोरोना के नए स्ट्रेन के 5 और मरीज मिले हैं। इनमें से 4 की रिपोर्ट पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से और 1 की दिल्ली के CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंट्रोगेटिव बायोलॉजी से आई है। इसी के साथ अब ऐसे मुतासरीन की तादाद 25 हो गई है। ये सभी ब्रिटेन से लौटे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि सभी 25 लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 415 मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं और 3 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,86,000 हो गई। हलाकतों की तादाद 1,541 हो गई। जीएचएमसी के हदूद में 91 नए केसेस दर्ज हुए हैं।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजकोट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का संगे बुनियाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखा। मोदी ने कहा कि 2020 ने हमें सिखाया कि सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है। ये पूरा साल चुनौतियों भरा रहा। कोरोना वैक्सीन की तैयारी अब आखिरी फेज में है। नया साल इलाज की उम्मीद लेकर आ रहा है। नए साल में हम दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने पहली बार कहा कि अब दवाई भी और कड़ाई भी, यानी कोरोना की दवा आने पर भी लापरवाही नहीं होने देना है। क्या है जीवन में हेल्थ और प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व, ये बात हमें 2020 से अधिक कौन समझा सकता है। लेकिन धन्य है ये धरा गुजरात की। जहां दूरदर्शी नेतृत्व ने बहुत पहले ही मेडिकल कॉलेज, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल पॉलिसी की कमियों को पूरा किया। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, हेल्थ अश्योरेंस की नीति अपनाई। गरीब के निशुल्क इलाज की नई रीति बनाई। स्वास्थ्य को गुजरात की तरक्की की सीढ़ी बनाया। इसीलिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के साथ आज गुजरात देश के मेडिकल हब के रूप में उभरा है। न केवल आसपास के राज्यों से बल्कि पड़ोसी देशों के नागरिकों के लिए भी आयुष्मान बना है गुजरात। ऑपरेशन कितना भी जटिल क्यों ना हो, गुजरात के पास काबिल डॉक्टर्स की सेना तैयार है, 30 मेडिकल कॉलेजों के साथ जिसका दिन ब दिन विस्तार भी हो रहा है। मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी और उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री नितिन भाई पटेल के नेतृत्व में कोविड 19 के समय में भी गुजरात ने अपने स्वभाव के अनुसार साहस और क्षमता का परिचय दिया। 735 कोविड अस्पताल, 70,000 बेड्स, 1,700 से अधिक धनवंतरी रथ, 20 लाख से अधिक लोगों के घर घर टेस्टिंग ड्राइव के साथ गुजरात ने कोरोना पर न केवल काबू पाया बल्कि गुजरात के हेल्थ मैनेजमेंट की सराहना एम्स, नीति आयोग और WHO ने भी की। मेडिकल के साथ फार्मा और वैक्सीन डेवलपमेंट क्षेत्र का भी विकास हुआ है। यही वजह है जो आज कोरोना साल 2020 में संक्रमण की निराशा थी, चिंताएं थी, चारों तरफ सवालिया निशान थे, 2020 की वो पहचान बन गई। लेकिन 2021 इलाज की आशा लेकर के आ रहा है। वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही है। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर है। मुझे विश्वास है कि जिस तरह बीते साल संक्रमण से रोकने के लिए हमने एकजुट होकर प्रयास किए, उसी तरह टीकाकरण को सफल बनाने के लिए भी। कोरोना वैक्सीन को लेकर हिंदुस्तान में खुशखबरी नए साल में मिलेगी। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी SEC ने चारशंबे को मीटिंग की थी। इसमें कोविशील्ड को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कोवैक्सीन पर भारत बायोटेक ने और फाइजर ने अपनी वैक्सीन पर प्रेजेंटेशन दिए। इसमें कोई फैसला नहीं हो सका। कमेटी का अगला इजलास 1 जनवरी को होगा। इसमें कोई बड़ा फैसला होने की उम्मीद की जा रही है। इससे पहले चारशंबे को ही सुबह ब्रिटेन ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड को मंजूरी दी है। हिंदुस्तान में कोविशील्ड को आधार पुनावाला की कंपनी SII मैन्युफैक्चर कर रही है और वो इस वक्त हिंदुस्तान में फेज 3 के ट्रायल्स भी कर रही है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के इजलास में फाइजर की तरफ से डेटा पेश करने के लिए और वक्त मांगा गया। इसी तरह
SII और भारत बायोटेक ने अपनी अपनी वैक्सीन को लेकर जो डेटा पेश किया था उनका एनालिसिस किया गया। 1 जनवरी को होने वाली अगली मीटिंग में ये सिलसिला जारी रहेगा। ACC जब वैक्सीन की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को लेकर दावों से मुतमईन होगी तब वो इमरजेंसी अप्रूवल देने के लिए सिफारिश करेगी। आखिरी फैसला एपिक्स कमेटी का होगा जिसमें अलग अलग वजारतों के सेक्रेटरीज होते हैं। आपको बता दें कि ब्रिटेन में पहले फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिला था। कोविशील्ड दूसरी वैक्सीन है जिसे मंजूरी मिली। अमेरिका भी अब तक फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को मंजूरी दे चुका है। दुनिया में अब तक कोरोना की 9वीं वैक्सीन को मंजूरियां मिल चुकी हैं। मरकजी हुकूमत ने मुल्क के 4 रियासतों में किए गए कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की कामयाबी के बाद अब 2 जनवरी को मुल्क के सभी रियासतों और मरकज की जेर इंतजाम इलाकों में ड्राई रन करने का फैसला किया है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने जुमेरात को बताया कि मरकजी हुकूमत ने सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की पूरी तैयारी करने की हिदायत दी है। सेहत के मरकजी सेक्रेटरी राजेश भूषण ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और दीगर तिब्बी अफसरों के साथ आला सतही मीटिंग की और कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन के लिए निशानदेही की गई सभी साइट्स पर की गई तैयारियों का जायजा लिया। ड्राई रन टीकाकारी से जुड़े पूरे अमल को इस तरह से नाफिज किया जाता है जैसे हकीकत में टीकाकारी मुहिम चलाई जा रही हो। इससे कोरोना वैक्सीन के सिलसिले में बनाया गया कोविन ऐप बैरूनी माहौल में किस तरह काम करता है ये भी पता चल पाएगा और टीकाकारी का पूरा मंसूबा और मंसूबे के अमल में क्या रुकावटें आती हैं उनकी पहचान करके उनसे निपटने के तरीके भी बनाए जा सकेंगे। इससे मुख्तलिफ सतह पर टीकाकारी मुहिम से जुड़ने वाले लोगों का भी हौसला बढ़ेगा। वजारत सेहत ने बताया कि ड्राई रन सभी रियासतों के दारुल हुकूमत में कम से कम 3 साइट्स पर होगा। कुछ रियासतें इन इलाकों को भी ड्राई रन में शामिल करेंगी जो दूर दराज हो और जहां सामान की आमद रफ्त में मुश्किल हो। महाराष्ट्र और केरला मुमकिन है कि अपनी दारुल हुकूमत के अलावा दीगर बड़े शहरों में ड्राई रन करेंगे। अगर आपने अभी तक अपने 4-व्हीलर्स पर फास्टैग नहीं लगवाया है तो फिक्र की कोई बात नहीं है। हुकूमत ने इसके लिए फास्टैग की आखिरी तारीख 1.5 महीने बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी है। पहले 1 जनवरी 2021 डेडलाइन थी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक टोल ट्रांजैक्शन में फास्टैग की हिस्सेदारी अभी लगभग 75 से 80% है। ऐसे में हुकूमत यह आंकड़ा 100% करना चाहती है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि टोल प्लाजा पर लंबी कतार से बचने के लिए लोग भी फास्टैग से पेमेंट करना चाहते हैं। NHAI के मुताबिक 24 दिसंबर को ई टोल के जरिए डेली टोल कलेक्शन का आंकड़ा 80 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया था। NHAI का कहना है कि अब रोजाना मुल्क भर के सभी टोल प्लाजा पर रोजाना 50 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। अब तक पूरे मुल्क में 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा फास्टैग जारी किए जा चुके हैं। रिलायंस जियो यूजर्स के लिए नया साल राहत के साथ शुरू हो रहा है। 1 जनवरी से जियो के अलावा दीगर नेटवर्क्स पर ऑफ नेट फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग कर पाएंगे। जियो ने बताया कि मुल्क भर में किसी भी नेटवर्क और जगह पर यूजर्स फ्री कॉलिंग का फायदा ले पाएंगे। पहले कंपनी दीगर नेटवर्क्स के लिए लिमिटेड FUP यानी फेयर यूसेज पॉलिसी मिनट देती थी, वहीं ऑन नेट वॉइस कॉलिंग फ्री थी। अब इंटरकनेक्ट यूसेज चार्जेस यानी ICU नहीं देने होंगे। जियो के जिन यूजर्स ने के मौजूदा प्लान की वैलिडिटी अभी बाकी है वो भी 1 जनवरी से सभी नेटवर्क पर फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग कर पाएंगे। यानी किसी यूजर के मौजूदा प्लान की वैलिडिटी 5 जनवरी को खत्म हो रही है तो वो भी 1 जनवरी से फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग कर पाएगा। कंपनी ने यूजर्स को तयखुन दिया था कि ये चार्जेस तभी तक जारी रहेगा जब तक ट्राई IUC चार्जेस खत्म नहीं कर देता। जियो ने अपने हैप्पी न्यू ईयर प्लान में 4 डेटा प्लान की कीमतें कम की हैं। अब जियो के शुरुआती डेटा प्लान की कीमत 129 रुपये हो गई है। जियो ने दावा किया है कि कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में ये सबसे सस्ते प्लान है। शुमाली हिंदुस्तान में सर्द हवाएं चलने की वजह से कड़ाके की सर्दी हो रही है। बेशतर इलाके धुंध की चादर में लिपटे हुए हैं और ह्यूमिडिटी बहुत कम हो गई है। कौमी राजधानी दिल्ली में भी जबरदस्त सर्दी पड़ रही है और चाशुंबे के रोज वहां का कम से कम दर्ज हरारत 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। महकमे मौसमियात के मुताबिक सर्द हवाएं चलने की वजह से जनवरी शुरू होने से पहले ही दिल्ली में सर्दी में इजाफा हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में आज मिनिमम टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस और ज्यादा से ज्यादा
17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। महकमे मौसमियात के इलाकाई पेशगोई के मरकज के सरबरा कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि हिमालय की तरफ से शुमाल शुमाल मशरकी हवाएं चल रही हैं, जिसके सबब शुमाली हिंदुस्तान में दर्जे हरारत में गिरावट वाकई हुई है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में नए साल का जश्न शुरू हो गया है। सबसे पहले ऑकलैंड के स्काई टावर पर रंगीन आतिशबाजी के साथ 2021 का इस्तकबाल किया गया। ऑकलैंड दुनिया का इकलौता बड़ा शहर है जहां नए साल की शुरुआत बिना किसी पाबंदी के हुई है। नया साल कोरोना की दहशत के बीच कुछ ज्यादा उम्मीदें लेकर आ रहा है। कई मुल्कों में जश्न की तैयारी है लेकिन बंदिशों के साथ। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के नजदीक टोंगा आइलैंड पर नए साल ने दस्तक दी। दुनिया के स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से माना जाता है कि यही सबसे पहले रात के 12 बजते हैं। अमेरिका के पास हॉलैंड और बेकर आइलैंड्स पर सबसे आखिरी में यानी हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक 1 जनवरी शाम 5:30 बजे नए साल का सूरज पहुंचता है। हालांकि ये ऐसा इलाका है जहां कोई आबादी नहीं रहती। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आप सभी को INN चैनल के पूरे स्टाफ और मैनेजमेंट की तरफ से नए साल की मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं कि नया साल हम सब के लिए खुशहाली, सेहत और अमन से भरपूर होगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, कल आपसे मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। खुदा हाफिज़।